आज मैं बनाना बता रही हूँ शलवार की मोरी के लिए डिज़ाइन। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे मशीन की मदद से इसमें डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने शलवार तैयार कर ली है, अब यहाँ पे मुझे मोरी में इसमें यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए अभी हम इसको यहाँ साइड में करते हैं। यहाँ हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे और ये तकरीबन 4 इंच ही हमने फ्यूजिंग पेपर लिए। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी कम आ रही थी लेंथ में, तो मैंने यहाँ साइडों में इसमें जोड़ लगा लिया, तो इसका जोड़ आराम से लग जाता है। तो अब यहाँ पे सादा कपड़ा है, तो इस सादे कपड़े पे हम यहाँ पे इसको इस तरह से प्रेस करके लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस के साथ लगा लेते हैं। तैयार करूँगी इसी तरह, ये दूसरे वाले को भी मैं इस तरह से इसमें लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छे से लगा लिया है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ इसमें मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मुझे इसके अंदर सिलाइयाँ लगानी होंगी। अब यहाँ 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से मैं पूरे में मार्क कर लूँगी। तो यहाँ देखिए ये दोनों पैंचों की एक साथ मैंने मार्किंग कर ली है, और अब यहाँ पे मैं इसमें सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं, और अब ये जो हमने दोनों पैंचों की एक साथ सिलाइयाँ लगाई हैं उनको बीच में से यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। इस पट्टी को भी यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको भी यहाँ से कटिंग करके इसके भी दो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मोड़ने का मार्जिन था इसको मैंने हटा के फिर यहाँ पे इस पट्टी को डबल करूँगी और यहाँ से इसको भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ देखें इसको हम पट्टी को बैक साइड से रखेंगे, और बैक साइड से इस तरह से हम सिलाई लगा के फिर इसको फ्रंट साइड पर टर्न कर देंगे। यहाँ देखें हमने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ एक खड़ी सिलाई लगाएंगे, और खड़ी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से मजबूत हो जाए। यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं यहाँ जो सिलाई लगाई है जो पट्टी ख़त्म हो रही है इसके साथ साथ यहाँ इसको कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हमने दूसरी वाली पट्टी कट करी थी इस पट्टी को भी यहाँ पे इसके साथ सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मार्जिन छोड़ा था हमने दबाने का, इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पट्टी को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इसके जो सेंटर आएगा उसके सेंटर में यहाँ पे हमें इस तरह से ये वाली लेस को लगा लेना है। तो यहाँ देखें एक मैं इसके साथ लगाऊंगी और एक यहाँ पे ये वाली पट्टी जो आ रही है नीचे वाली इसके साथ लगाऊंगी, तो ये हमारी इस तरह से जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें हमने ये लेस लगा ली है, अब इस कपड़े को पीछे की तरफ करेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से ये सिर्फ हमें लेस नज़र आएगी इस तरह से। तो यहाँ दोनों पे किनारे की सिलाइयाँ लगा देते हैं।
तो यहाँ देखें हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है। मैं यहाँ पे इसको डबल करूँगी और यहाँ पे साइड की सिलाई लगा लूँगी। तो साइड की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे पैंची को, जितना हमें बड़ा रखना है उतने उसी हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैं पैंची को रखूँगी 7 इंच, तो 7 इंच को यहाँ पे इस तरह रखते हुए इसकी साइड की सिलाई लगा के इसको बंद कर लेते। यहाँ देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है। तो ये आप अपनी शलवार में और ट्राउज़र में, आस्तीनों में, आगे कमीज़ के दामन में कहीं भी बना सकते हैं।